अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान हैदर अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोच रिपोर्टर। नाज़रीन, खित्ता पटवार ने इस मुल्क और कौम के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं, मैदान हर्ब से मैदान सियासत तक और मैदान सियासत से मैदान अदल तक इस खित्ता के सपूतों ने बेहद कुर्बानियां दी हैं और अपना नाम बनाया है। अगर हम मैदान अदल की बात करें तो मरहूम अजीज भट्टी साहब का नाम हमें मिलता है, जिन्होंने बेहद कुर्बानियां दी हैं, और उन्हीं के सपूत राजा शौकत अजीज भट्टी साहब, जिन्होंने एक बार फिर मैदान सियासत में कदम रखा और अपना एक नाम बनाया, वो आज हमारे साथ मौजूद है। आइए चलते हैं, उनसे इजारे ख्याल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भट्टी साहब, क्या हाल है, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्टी साहब, आप मुझे ये बताएं कि मौजूदा जो सियासत चल रही है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और आप अपना इजारे ख्याल हमारे साथ करें। आज की सियासत में आपके टीवी की तरह सब लोगों की सोच बदल दी है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरे दोस्त, मेरा धड़ा, मेरे चाहने वाले अजीज भट्टी साहब के चाहने वाले आज मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के इस मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े, और मैं इन्हीं लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से अपने भाई को आज़ाद इलेक्शन लड़वा रहा हूँ, और बेपनाह लोगों का तामन रात दिन भागने के बावजूद कंपेन मुकम्मल करना बहुत मुश्किल हो रही है, लोगों तक पहुँचा नहीं जा रहा। चे जाए कि मैं लोगों को ढूंढता, लोग मुझे ढूंढते हैं, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैंने ऐसी फिजा इलेक्शन में इससे पहले कभी आज़ाद इलेक्शन मैंने नहीं देखी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से लोगों को हालात नज़र आ रहे हैं, वो समझते हैं कि 10 साल जो मैंने खिदमत की, जो इससे पहले मेरे वाले साहब ने की, और बिलखसूस मरकज मंदरा के लोग जिन्हें इग्नोर किया गया, वो इस इलेक्शन को अपना सियासी इंतकाम समझते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये 25 जुलाई को पता चलेगा कि जैसे आज इस मुल्क कौम की सोच बदली है, जमहूरियत पर लोगों का ईमान है, तकवा है, और अपनी वोट की पर्ची के लिए हर आदमी इस बात पर खड़ा है कि ये मुल्क कौम की तकदीर बदलेगी, और इंशाल्लाह तहसील गुजर खान PP9 के लोगों की तकदीर के लिए जो मैं, मेरे ख़ानदान, मेरे भाई ने जो कदम उठाया है, वो लोगों की इंशाल्लाह 25 तारीख को उस हमारे हक में फैसला देकर लोग साबित करेंगे कि कल भी लोगों के दिलों में हमारे लिए जगह थी, और इंशाल्लाह कल भी होगी। भट्टी साहब, आप जब MPA थे तो आपने इस खित्ते के लिए, इस खित्ते पटवार के लिए बहुत से तरक्याती काम भी किए, और आपने बहुत इसको आगे लेके गए, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके भाई से कि वो भी आपकी तरह इस मुल्क और कौम की और इस खित्ते की खिदमत करेंगे? पहले मैं अकेला था, अब एक एक तो दो ग्यारह, अब लाहौर के और असम्बली के मामला भाई के जिम्मे होंगे, हल्का मेरे जिम्मे होगा, और जहाँ मैं एक होने के वजह से पहुँच नहीं सकता था, अब बहुत सारी आसानियाँ होंगी, और इंशाल्लाह इज़ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, कानून का माहिर है, नौजवान है, नौजवान खून है, और इंशाल्लाह मेरे साथ इससे ज़्यादा मदद करेगा, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये हमारे लिए कोई नया काम नहीं है, ये मेरे घर में सियासत 60 साल से, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से 30-30 साल का मेरा और उनका फैसल साहब का तजर्बा है, और इंशाल्लाह आपने देखा होगा कि उनकी पहली सियासी तारीख तकरीर ने ही लोगों को बता दिया कि ये सियासत और लोगों की खिदमत हमारे खुद में खूब खूब कर रही होगी, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। तो भट्टी साहब, इस खित्ते की क्या प्रॉब्लम्स हैं और इनका क्या सलूशन होना चाहिए आपके नज़दीक? बहुत सारी बुनियादी ज़रूरियात की भी कमी है, हमारे इस हल्के में एक बड़ा हॉस्पिटल लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरत है, एक इंडस्ट्रियल स्टेट बहुत बड़ी ज़रूरत है, एक यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी ज़रूरत है, और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत सारा काम करना बाकी है। वो इन 10 सालों में शायद ही कोई ऐसा मौज़ा होगा जिस मौज़े में मेरा कोई ना कोई तरक्की का निशान नहीं होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पिछले 5 साल मेरे बहुत सारी सियासी और अदालती कश्मकश में गुजरे, जिसकी वजह से उस तरह का मौका नहीं मिल सका डिलीवर करने का, और वो कमी इंशाल्लाह अब इस इलेक्शन के बाद मैं और मेरा भाई पूरी करेंगे, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह इस हल्के के गरीब आवाम ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ डट के खड़े हुए, ना उन्होंने टिकट की परवाह की, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि हमारे साथ रابطہ किसका था और हमारी मुश्किल में कौन हमारे साथ खड़ा होता था, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती थी तो मैं पहुँचता था, आज मेरा मुश्किल वक्त आया तो हल्के के आवाम ने मेरा इस तरह साथ दिया कि शायद मेरे अपने बाजू भी इतने करीब होकर मेरा साथ ना देते, तो मैं ये समझता हूँ कि इस हल्के के लोगों का प्यार और मोहब्बत मेरे लिए कर्ज है, और मैं, मेरे भाई हम कोशिश करेंगे कि इस हल्के की आवाम का ये कर्ज उनकी तवक्कोआत के मुताबिक उतार सकें।
भट्टी साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हई अलल फलाह जो एक तंजीम और तहरीक है वो भी सोच टीवी के साथ मुंसलिक है, तो आपके ख्याल में ऐसी तंजीम और तहरीक किस हद तक मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम कर सकती है और किस हद तक मुल्क की बका के लिए ये काम कर सकती है? मेरी गुजारिश है कि अच्छी सोच हो और अच्छी सोच की मांग खिदमत का जज्बा हो, तो ये आजकल के दौर में इस नफ़ा नफसी के दौर में जब हर वक्त हर आदमी को अपनी अपनी पड़ी है, मैं समझता हूँ बड़े वो कम लोग हैं जो इज्तमाही सोच रखते हैं और भलाई की सोच रखते हैं, और ये सियासत भी एक मखलूक खुदा की खिदमत का एक जरिया है, और इसे जो मखलूक खुदा की खिदमत समझ के करता है वो लोगों के दिलों पर राज करता है, और इसी वजह से आज तसीम खान के वहाँ मेरे साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से अपने दौर में बहुत से तरक्याती काम किए हैं, हल्के में भी अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस हद तक इसको आगे लेकर जाएंगे? जब मैं पहली बार MPA बना तो सबसे पहला स्कूल मैंने जलियारी भाई खान में मलिक जफर साहब मरहूम के गाँव में आप क्रिएट किया था। स्टार्ट भी मेरा इस यूनियन काउंसिल करियाम से था, और करियाम यूनियन काउंसिल में मेरी एक बहुत लंबी तफसील है कामों की, और मैं इंशाल्लाह आपको वो व्हाट्सअप कर दूंगा। लेकिन मैंने अपने हल्के के लिए गुजर खान में एक डिग्री कॉलेज था लड़कियों का, गुजर खान में पूरी तहसील में मैंने दो अपने हल्के में दिए, एक मंदरा के मुकाम पे, एक करियारा के मुकाम पे, जो दौरताला के मुकाम पे इंटर कॉलेज था उसे मैंने डिग्री किया, गर्ल्स भी और बॉयज़ भी। एक कॉलेज हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दरताला के मकाम पर मंगोट के पास किया डिग्री कॉलेज जो शुरू है, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से इन दो टेन्योर में तीन डिग्री कॉलेज ऑलमोस्ट वर्किंग चार हो गए, बल्कि वर्किंग कंडीशन में एक महीने में चारों आ जाएंगे महीने या दो महीने के अंदर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 1122 दिया मैं बिलखसूस कलियाम के लिए, एक BHU की अशद ज़रूरत है कलियाम में, बल्कि रूरल हेल्थ सेंटर की ज़रूरत है। दूसरा एटलीस्ट कम अज़ कम इंटर कॉलेज लड़कियों की जो है वो जो इनका हाई स्कूल है उसको इंशाल्लाह आप क्रिएट करेंगे, ताकि कम अज़ कम इंटर तक जो बच्चियों को हायर सेकेंडरी स्कूल हो तो यहाँ तालीम मिल जाए। उसके बाद ये मंदरा के मकाम पे डिग्री कॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल है, जो महीने डेट में फंक्शनल हो जाएगा, राइट ऑन GT रोड यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे है। उसके अलावा मैं समझता हूँ कि सरके की सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो यूनिवर्सिटी है, और वो हमारे पास बावली के मकाम पर तकरीबन 600-700 कनाल रकबा मौजूद है, जिसका PC1 आलमोस्ट मुकम्मल हो गया था। इंशाल्लाह नए दौर में नए सिरे से काम होंगे, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि तहसील गुजर खान के अंदर बिलखसूस PP9 में दौरताला को तहसील का दर्जा दिया जाए, यूनिवर्सिटी दी जाए, एक इंडस्ट्रियल स्टेट हो जिसमें हमारे नौजवान बेरोजगारों का रोज़गार का बंदोबस्त हो सके। गुजर खान में एक टेक्निकल कॉलेज की बड़ी अशद ज़रूरत है कि टेक्निकल एजुकेशन के बाद ही लोगों को रोज़गार मिल सकता है, और मैं समझता हूँ कि हमारे मेरे इस हल्के में एक क्लास हॉस्पिटल का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जब लोग पिंडी या राजा बाजार या मरी रोड पहुँचते हैं तो रास्ते में ही जख्मों की ताब न लाते हुए अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, और हमें यहाँ लोकल सतह पर इसकी अशद ज़रूरत है। दुआ करें कि अल्लाह ताला आवाम के इस खिदमत कमीशन में मुझे और मेरे भाई को कामयाब करें। तो आखिर में आप कोई कौम के लिए, इस खत्ते के लोगों के लिए कोई पैगाम देना चाहते हैं? वो लोग जो कल लोगों का फ़ोन सुन के ये कह दिया करते थे कि मेरा सियासत से ताल्लुक नहीं है, मैं सरकारी वकील हूँ, मुझे जनाजे फातिहा की ज़रूरत नहीं है, मेरे लोगों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आज हादसाती तौर पर उन्हें टिकट मिला है और वो लोगों के पास जा रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारा और PTI का मुकाबला है, और अब इंशाल्लाह PTI भी हमसे बहुत दूर रह गई। ये उसी वक्त मुकाबला था जब मैंने इलेक्शन शुरू नहीं किया था, अब जब से फैसल साहब का इलेक्शन स्टार्ट हुआ है अल्लाह ताला की मेहरबानी से, बिलखसूस कलियाम से लेकर दौरताला मोड़ तक ये 1-way इलेक्शन होगा फैसल अजीज भट्टी और मेरे प्यार और मोहब्बत के सिलसिले में इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हालात नज़र ये आते हैं कि इस हल्के के अवाम जिस तरह मेरा साथ दे रहे हैं, और 25 तारीख को फैसल अजीज भट्टी की कामयाबी के बाद उनकी पर्ची मुझ पर कर्ज होगी, मेरे भाई पर कर्ज होगी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जानकर इस कर्ज को हम उनकी खिदमत के लिए बेपनाह कुव्वत के साथ उनका कर्ज उन्हें वापस करेंगे इंशाल्लाह। भट्टी साहब, हम दुआ गो हैं कि आपको कामयाबी मिले और आप इस मुल्क और कौम के लिए काम करें और इसके लिए इसकी खिदमत करें। ये थे शौकत अजीज भट्टी साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया है। तो मैं इंशाल्लाह आपको मिलूंगा नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے پیج کو لائک کریں اور لیٹسٹ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پیج کو فالو کریں۔